पीछे एक 1000 RR का एक्सीडेंट हो गया। सो फाइनली आरामबाग आ गए हैं हम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त रहकर अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे। आज का दिन एक राइड वाला दिन है, राइड या लॉन्ग राइड है। हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। सो अगेन अपने सारे BMW फैमिली के साथ हैं, तो सारे के सारे इस बार BMW वाले ही हैं यहाँ पे। ब्लॉग में अराउंड अ मंथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पुराने वाला स्टॉक की एडिटिंग चल रही है ले वाली। तो अगेन जब ड्राइव स्टार्ट हुई है तो ब्लॉग तो करना बनता है, और तो ब्लॉग मैं करूँगा, बट एडिटिंग जो है वो थोड़ी सी जो हो जाएगी। नॉइस पोल्यूशन है बिकॉज ब्लॉगिंग फ्रॉम माय फ़ोन, तो कह नहीं सकता कि कैसा ऑडियो आएगा। दो राइडर का वेट कर रहे हैं बिकॉज अगर वो आ जाएं तो हम निकलें यहाँ से। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, निकलने का प्लान था 4:30 का, बट 4:30 ये लोग वहाँ से स्टार्ट किया है और अब हम लोग यहाँ पंचगांव में मिले हैं। सो देखिए क्या होता है आगे। आई होप टाइम से पहुँच जाएंगे, बट रुकते खाते पीते और मस्ती करते। हमारी पहली डेस्टिनेशन पेट पूजा फिर काम दूजा। क्यों जी? ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से, कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ी सी कैफीन डालेंगे अपनी बॉडी के अंदर, उसके बाद आगे निकलेंगे। एंड दीज आर दी ब्यूटीज, लुक एट ऑल द बीमर्स। सो जैसे मैंने पहले बता रहा था कि 1250 इस बार काफ़ी आई हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो लास्ट टाइम GS अकेला मैं ही था, एंड टूरिंग का मज़ा 6 है। सो दे आर द 6 PM GS 1250। सो फार फंक्शन चालू है और बस अब जाके कुछ खाते पीते। सारे राइडर्स रेडी हैं, बाइक पे बैठ चुके हैं, अब यहाँ से हम आगे के लिए निकलेंगे। ऑलरेडी काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया हमने, बस अब बाइक खींचेंगे। हाईवे किंग 129 किलोमीटर दिखा रहा है, 140, हाँ वही है फिर 2 घंटे 18 मिनट। ज़रूरी ये होता है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, क्योंकि थोड़ा बड़ा ग्रुप है और ग्रुप के अंदर 2-3 लड़कियां भी हैं जो सोलो राइड कर रही हैं। GS वाले और RR वाले जा रहे हैं फुल फन करते हुए। ये हमारे स्पर्श भाई साहब गए हैं, तो बस इस तरह ही हंसते खेलते हुए जाएंगे हम लोग। टेम्परेचर भी अब थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो ये जैकेट मैंने BMW की नई जैकेट ली है, बिकॉज इट्स अ ड्राई फैब्रिक, बेसिकली सूटेबल फॉर दी विंटर्स एंड द रेन, और वाटरप्रूफ है पूरी की पूरी। सो यही इसकी जो बेनिफिट है, क्योंकि एक विंटर जैकेट, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी मेरे पास जो जैकेट हैं ऑल वेदर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्पेसिफिकली विंटर के लिए भी होनी चाहिए। सो अच्छा डील मिल गया मेरे को और मैंने ले ली। तो सारे के सारे क्रूज कंट्रोल पे डाल के चला रहे हैं। धूप तेज है, जैकेट गर्म है, तंदूरी चिकन बन जाना। सो फिलहाल इस हाईवे पे सबसे चीज़ें ध्यान रखने वाली ये है कि एक तो कैटल्स बहुत हैं। अभी तो ये मेरा जयपुर ही चल रहा है, सीधा ही आगे और मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर जाने के बाद जब रोड और खुल जाएगी। सो गाइस, ये एक एम्बुलेंस जा रही जो जयपुर से निकली है, शीशे सारे काले हैं इसके, आगे 2 जने बैठे हैं, कोई पेशेंट नहीं है इसके अंदर। जैसे ही हल्का सा ट्रैफिक मिलता है ये और सायरन ऑन कर देता है।
अभी पुष्कर के लिए अंदर को कट पड़ा था, गूगल मैप उल्टा दिखा रहा था, लेकिन फिर किसी तरह घूम फिर के अंदर से ट्रैफिक को बाईपास करते हुए यहाँ आ गए हैं। बाइक मेरी रिजर्व पे आ गई थी, बाहर पेट्रोल पंप मिला बट वहाँ सिर्फ डीजल था, पेट्रोल नहीं था। ये एक अंदर रोड पे पेट्रोल पंप दिखा है, नायरा पेट्रोल पंप। चलो जी, पेट्रोल भी डल गया है, अब यहाँ से निकलते हैं। और एक बैड न्यूज़ है, पीछे एक 1000 RR का एक्सीडेंट हो गया, हमारे साथ ही था। लकीली बताया कि अभी ज़्यादा चोट नहीं लगी है। सो फाइनली आरामबाग आ गए हैं हम, तो सामने लग रहा है मुझे। सो फाइनली आरामबाग पहुंच गए हैं, अब आरामबाग पहुंच के हम करेंगे आराम। सो मैंने कहा आप सबको अपडेट दे दूं, जैसे ही होटल में चेक इन किया उसके बाद मैं शावर लेके बिल्कुल लम लेट हो गया, बहुत तेज़, 24 घंटे से सोया नहीं था और नींद चाहिए थी बिल्कुल, बॉडी को रेस्ट चाहिए था। 2 घंटे मस्त सोया, 3 से 5 तक। 5 बजे फिर हम लोग चाय पीने के लिए सनसेट पॉइंट पे गए। तो ये जो प्रॉपर्टी है आरामबाग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा वाइड प्रॉपर्टी है। राइड वेरी केयरफुली, नो मैटर कितनी तूफ़ानी बाइक है और कितनी अच्छी बाइक है।